हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। माय बेटी किचन डायरीज में आपका स्वागत है। और आज आपके साथ मैं शेयर करूंगी ट्राई कलर के रसगुल्ले। तो हमारा फ्लैग जिस कलर का है उस कलर के हम रसगुल्ले बनाएंगे। तो आप इस स्वतंत्रता दिवस ज़रूर ट्राई करिएगा कि ये हर घर झंडा जो स्कीम चली है उस पर ये भी आप बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रसगुल्ले बनाने के लिए यहाँ पर हमने 1 किलो दूध लिया है और उसको हम पहले गर्म कर लेंगे, फिर हम इसको फाड़ेंगे। और दूध पक जाएगा तो हम उसमें नींबू डाल देंगे दूध को फाड़ने के लिए, क्योंकि हमें इसका छेना तैयार करना है। दूध खौल गया है, अब हम इसमें नींबू डाल देंगे ताकि फट जाए। और चला देंगे। अब पूरा 1 नींबू डाल देंगे ताकि अच्छे से फट जाए और चला देंगे। और दूध फट गया है और फटे हुए दूध को अब हम छान लेंगे और उसका हम छेना बनाएंगे। और फटे हुए दूध को हम कॉटन के कपड़े में छान लेंगे। और थोड़ी देर इसको ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि इसका पानी निकल जाए सारे। और ये बिल्कुल रेडी हो चुका है, इसको पानी इसका सारा निकल गया है। अब इसको हम अच्छे से कपड़े से निकाल लेते हैं और 3 हिस्सों में से बांट लेंगे। और इसको हम अच्छे से मैश कर लेंगे 3 हिस्सों में बांटने से पहले। इसको हमने अच्छे से मैश कर लिया है, देख लीजिए अच्छे से बाइंड हो गया है। अब इसे 3 हिस्सों में हम डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि हम ट्राई कलर के रसगुल्ले बना रहे हैं 15 अगस्त के लिए। और ये बिल्कुल इक्वल 3 हिस्सों में हमने डिवाइड कर लिया है। और एक को हम साइड करके रख देते हैं, क्योंकि हमें 2 में कलर डालना है, एक वाइट रहेगा। तो एक में हम ग्रीन डालेंगे फूड कलर और एक में ऑरेंज डालेंगे। और इसमें हम पहले डाल देंगे ऑरेंज, सबसे पहले हमने थोड़ा सा ऑरेंज डाला है, देख लीजिए। और ज़रूरत अगर पड़ेगी तो और डाल लेंगे। और अगर कम लगे या कलर ना आए तो आप थोड़ा और डाल लीजिएगा। अच्छे से मिक्स कर देंगे, फिर कलर आ जाएगा। और ये हमारा ऑरेंज बनकर तैयार हो चुका है कलर। अब ग्रीन बना लेते हैं। और ये ऑरेंज बनकर तैयार हो गया है, तो दूसरा कलर बनाने से पहले हम इसकी गोलियां बनाकर रख लेंगे, वरना दूसरे में मिक्स हो जाएगी। तो हम इसके छोटे छोटे गोले बना लेंगे ऐसे। और बाकी की भी ऐसी रेडी कर लेंगे। और ऑरेंज सारे बनकर रेडी हो गए हैं, अब वाइट वाले बना लेते हैं ग्रीन बनाने से पहले। तो यहाँ वाइट गोलियाँ तैयार कर लेंगे हम ऐसे ही बिल्कुल सेम। और ये वाइट भी तैयार हो गए हैं, अब हम ग्रीन बना लेते हैं। और यहाँ पे हमने ग्रीन कलर लिया है, उसमें अब हम इसको मैश कर लेंगे अच्छे से। और ये भी ग्रीन अच्छे से बन गया है, इसकी भी हम ऐसे ही गोलियाँ बना लेंगे जैसे कि बाकी बनाई हैं। और ये बॉल्स बनकर रेडी हो चुकी हैं छेने की, अब हम शुगर सिरप तैयार कर लेते हैं। और शुगर सिरप तैयार कर लेते हैं तो 1 बड़ा कप हम पानी डाल देंगे इसमें, और 1 छोटा कप हम डाल देंगे शुगर। और इसको अब हम लो फ्लेम पर कुक होने देंगे, मेल्ट होने तक शुगर का वेट करेंगे। और ये चाशनी बनकर रेडी हो चुकी है, और इसमें अब हम डाल देंगे बॉल्स जो तैयार किए हैं।
और 10 मिनट तक इसे कुक होने के लिए छोड़ देंगे। और वाइट अलग से हम कर लेंगे क्योंकि वाइट कलर छोड़ देगी अगर ये, तो वाइट में भी कलर लग जाएगा, इसलिए वाइट को हम अलग से करेंगे। और हमने कलर वाली ऑरेंज और ग्रीन कलर की अलग अलग कर ली हैं इसमें थोड़ी देर कुक चाशनी में। अब हम वाइट वाली भी चाशनी में 10 मिनट तक कुक कर लेंगे। हमारे रसगुल्ले बनकर तैयार हो चुके हैं ट्राई कलर के, आप इसे ज़रूर ट्राई कर सकते हैं इस इंडिपेंडेंस डे। और वैसे भी हर घर तिरंगा की स्कीम चल रही है, तो घर पे आप बनाइए और हर घर तिरंगा जो चल रहा है वो आप इस तरह से भी सेलिब्रेट कर सकते हैं। और आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और बना के देखिएगा, बहुत अच्छे लगते हैं खाने में भी और देशभक्ति की भावना भी जागती है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और खाने में बहुत अच्छे होते हैं। और इस पे हमने गार्निश किया है काजू से, आप बिना काजू के भी इसके अंदर स्टफ भी कर सकते हैं काजू को, और कोई और ड्राई फ्रूट लगाना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। और आप जब चाशनी में डालें तो अलग अलग डालिएगा वरना कलर मिक्स हो जाता है। तो अलग अलग हमने कुक किए हैं 10-10 मिनट के लिए और ये बहुत अच्छे से बनकर स्पॉन्जी से रेडी हो चुके हैं। और अगर अच्छे लगे हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक से, जब तक अल्लाह हाफिज़।